जो भी पूरे गांव डूब चुके हैं, तहस नहस हो चुके हैं। हम तो खुद नसीब है जो कि अभी फ़िलहाल में हमारा घर देख पा रहे हैं। नर्मदा क्षेत्र के पूरे 192 गांव इसमें प्रभावित हुए हैं, जो कि पूरी तरीके से तहस नहस हो गए। खेती, मवेशी, सब कुछ तहस नहस हो गया। जो कि वापस अभी 2 महीने बाद पानी उतरेगा तो आएंगे तो अपने घर भी नहीं देख पाएंगे, पूरी तरीके से घर बर्बाद हो चुके हैं। और राज्य सरकार, मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये कह दिया है कि हमने सभी को मुआवजा दे दिया है, सभी 0% बता दिया है, जो कि अभी पूरी तरीके से बाकी है। हमारे साथ झूठ बोला जा रहा है कि आपको पूरी तरीके से मुआवजा दे दिया गया है, सभी को विस्थापित कर दिया है, जो कि अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं करा है। कुछ चंद लोगों को दे दिया है और जो भी पात्रता वाले हैं उनको पूरी तरीके से ऐसा मरने के लिए छोड़ दिया है। ये हमारे लिए धोखा है। सरकार को हमको पूरी तरीके से मुआवजा दे के हमको यहाँ से हटाना चाहिए और अच्छे से पुनर्वास स्थापित करना चाहिए, और खेतों के जो भी मुआवजा है सब दे के हमको यहाँ से हटाना चाहिए। ये देखिए, यहाँ तक पानी आना है। सरकार को पता है कि यहाँ तक पानी आना है, उसके बाद भी सरकार यहाँ पे लोगों का पुनर्वास नहीं करती है और लोगों को सही जगह पे बसाती नहीं है। अभी पानी यहाँ तक आ गया फिलहाल की स्थिति में, और ये थोड़ा और चढ़ के यहाँ तक के लेवल पे पानी आ जाएगा तो भी सही से लोगों का पुनर्वास नहीं करा जाता और लोगों को बसाया नहीं जाता है। सरकार को पता है यहाँ तक पानी आएगा तो भी सरकार के द्वारा लोगों को नहीं मुआवजा दिया जाता है, उनको जानबूझकर डुबाया जाता है, और जानबूझकर डूबने के लिए इस गांव को छोड़ा है। सरकार को पता है यहाँ तक पानी आएगा, लोग डूबेंगे, जानबूझकर डूबने के लिए छोड़ा गया है। हर साल ऐसा करते हैं, जब पानी चढ़ता है तो हटा दिया जाता है, लेकिन इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं करते। वहाँ से हमें कुकरा से लाकर यहाँ पे बसाया गया, परंतु यहाँ पर व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। यहाँ पर ना तो खाने की कोई व्यवस्था ठीक से है, 2 बजे खाना दिया जाता है यहाँ पर, और ना ही यहाँ पर शौचालय वगैरह की व्यवस्था ठीक है, और ना ही यहाँ पर कोई बिजली की व्यवस्था है, और मच्छर वगैरह भी काटते हैं। आसपास पूरे पानी भरा हुआ रहता है, इस कारण मच्छर भी यहाँ पे ज़्यादा है। इसलिए कल मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई तो उन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट करा गया है, तो उनकी देख रेख में मैं रहता हूँ, और यहाँ पर भी टाइम टाइम पर आके यहाँ पर भी देखता हूँ अपने सामान वगैरह। व्यवस्था ठीक नहीं है साहब, यह भी देखो संडास की व्यवस्था भी ठीक नहीं है, और पेशाब को भी बहुत दूर जाना पड़ता, हम भोजन भी अच्छा नहीं मिलता, या पीने का पानी टंकर है, टंकर से ले आना, फिर भोजन 3 बजे मिलता है। लग नहीं रहा है, दरवाजा ऐसे गिर जाते हैं। अब हम सोए भी तो कैसे सोए, महिला अकेली सोए तो कैसे सोए, बच्चे रहते हैं, कहीं उनको छोड़ के जाओ टॉयलेट करने तो वहाँ पर भी इतनी दूर बच्चों को कैसे अकेले छोड़ के जाए। यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, नहा भी नहीं सकते हम, कैसे नहाए यहाँ पर। Thank you.